बहुत सारे लोग मुझसे जो कि इनफिनिक्स यूज़र हैं वो क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को फाइनली आंसर कर ही दें। तो बहुत ज़्यादा लोग मुझसे आजकल ये पूछ रहे हैं कि ये फ्रीज़र की जो ऐप है उसको डिलीट किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो फ्रीज़र है ये कोई ऐप नहीं है, ये एक फीचर है जो कि बिल्ट इन है इन्फिनिक्स के मोबाइल का जो लॉन्चर होता है एक्सएस लॉन्चर उसके साथ। तो अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप इसको सिर्फ मूव कर सकते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फ़ोन मास्टर पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो इसके जैसे कई ऑप्शन आ गए हैं, ऐसा इसका कोई ऑप्शन नहीं आता, इसमें सिर्फ मूव वाला ऑप्शन आता है, इसमें इवन रिमूव वाला ऑप्शन भी नहीं आता। बहुत ज़्यादा लोग ये सोच रहे होते हैं कि जब इसमें रिमूव वाला ऑप्शन भी नहीं आता तो इसको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो इसको रिमूव करने का एक आसान तरीका है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होता क्योंकि ये सेटिंग में थोड़ा सा छुपा हुआ होता है। तो इसको आपने रिमूव किस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपने जो होम स्क्रीन है जो कि मेरी यहाँ पे ओपन है, इसके जो खाली स्पेस है या खाली जगह है इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। तो जब मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे नीचे जो है वो चार ऑप्शन शो होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपने मेन्यू वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल सेटिंग नज़र आ जाती हैं जो कि आपके लॉन्चर से रिलेटेड होती हैं, तो जहाँ से आप इनको चेंज करके जो है वो डिफरेंट जो सेटिंग है वो लगा के अपने जो लॉन्चर है उसकी लुक वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्चर की सेटिंग्स के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आपको ऊपर कार्ड में भी शो हो रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ कि कौन सी जो सेटिंग करके आप लॉन्चर को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि फ्रीज़र की ऐप को रिमूव करने के लिए अदर सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, कुछ टिक हैं कुछ अनटिक हैं, आपके मोबाइल के डिफरेंट भी हो सकते हैं, अलबत्ता मेरी जो ये सेटिंग है वो नज़र आ रही है। तो अब हमने क्या करना है कि फ्रीज़र का जो आइकन है उसको रिमूव करना है। तो फ्रीज़र के आइकन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर आपको फ्रीज़र वाला टॉगल नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर फ्रीज़र वाले टॉगल को जो अगर ऑफ़ कर दूँ, तो मैंने फ्रीज़र वाले टॉगल को अब ऑफ़ कर दिया। अब दोबारा चलते हैं और होम स्क्रीन पे देख लेते हैं कि हमें फ्रीज़र वाला कोई आइकन नज़र आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जब आइकन रखा था अब वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप जो है फ्रीज़र वाले आइकन को रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, कोई इसमें कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है, मेन्यू के अंदर जाना है, अदर सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ से फ्रीज़र को ऑफ़ कर देना है। और अगर इसी तरीके से आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑन कर देंगे और दोबारा हम अगर होम स्क्रीन में चलें तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कि आपको फ्रीज़र नज़र आ गया है। तो इस तरीके से आप जो है फ्रीज़र को वापस भी ला सकते हैं। तो अगर आपने फ्रीज़र को वापस लाना है या फ्रीज़र को डिलीट करना है तो इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट तो आप नहीं कह सकते, आप इस फीचर को टर्न ऑफ़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको ये यहाँ पर शो नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।